ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी उनके सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद होने के मामले में उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। ईडी ने मंगलवार को उनसे सुबह 10:30 बजे से देर शाम तक पूछताछ की थी। इसके बाद बुधवार को भी आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आलम को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें रांची के जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। ओएसडी और झारखंड प्रशासनिक सेवा के निलंबित पदाधिकारी संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई की देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं। इस मामले में ईडी ने मंत्री को समन जारी किया है। बता दें, निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने आलमगीर आलम को समन जारी किया था और उन्हें 14 मई को ईडी के रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। अवैध खनन के मामले में जांच के समय से ही ईडी के अधिकारियों की नजर उन पर थी, क्योंकि बरहवा टोल विवाद मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम शामिल था। पिछले दिनों उनके पीए संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद ही ईडी उनके पीछे पड़ी हुई थी। वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कमीशन खोरी और बंटवारे को लेकर कई दस्तावेज मिले थे। उसी के आधार पर ईडी की टीम ने जांच शुरू की थी। वीरेंद्र राम का बयान भी दर्ज कराया गया था। ईडी को वीरेंद्र राम ने ग्रामीण विकास विभाग में जारी कमीशन खोरी की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद ईडी ने बीते 6 मई को आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट पर छापा मारा था। जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कैश बरामदगी ईडी की ओर से रांची में कई स्थानों पर चलाई गई छापेमारी अभियान का हिस्सा थी। आलमगीर आलम के फ्लैट में हुई छापेमारी के दौरान बेहिसाब कैश गिनने के लिए कई कैश काउंटिंग मशीनें लगाई गई थी। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों ने फ्लैट से कुछ आभूषण भी बरामद किए थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।